तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि बगल में जो गांठ हो जाती है, बगल यानी कुछ लोग इसको कांक के कखौरी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको ढिलौरी बोलते हैं। अगर आपके शहर में से किसी और नाम से जाना जाता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि बगल में जो गांठ हो जाती है जिसके साइज कम से कम एक मिठाई के समान हो जाती है, छोटे वाली जो मिठाई होती है ना, जिसको चेरी, लाल वाली जो चेरी है उसके समान हो जाती है, और इसमें सूजन आ जाते हैं और इसमें देखेंगे कि लाली टाइप की आ जाती है, तो इसमें दर्द भी होता है, दर्द के कारण कभी कभी आँख से पानी भी गिरने लगते हैं। तो आज मैं बगल की गांठ में बिल्कुल घरेलू इलाज जो फोकट का है और कोई भी कर सकता है, घर पे ही रह के इसको ठीक कर सकता है। बगल की गांठ होने का मुख्य कारण क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि पसीना बहुत ज़्यादा होता है आपके शरीर से, या गंदगी या सफाई आप ढंग से नहीं करते हैं, कभी कभी कुछ एक कीड़ा, छोटा सा एक कीड़ा आता है जिसको अटगोड़वा बोलते हैं, वो सट जाता है और उनको हम निकाल नहीं पाते, कई बार उसको छोड़ देते हैं, उसमें सटने के अनुसार वो लगातार आपके ब्लड को चूसते रहते हैं, उनसे भी हो जाता है। तो आज मैं बगल की गांठ के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके सिम्टम्स जो, जैसे बगल में जो आपके गांठ हो जाएंगे तो आपके शरीर में पेन से होने लगेगा, मतलब बुखार जैसा फीलिंग्स आपको होने लगेगा, देह गर्म होने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बगल की जो गांठ है ये 7 बार निकलता है, अगर सही से इसका इलाज नहीं हुआ तो ये 7 बार निकलता है, क्योंकि मेरे को हुआ था तो मैं भी काफ़ी डर गया था और हाथ उठाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ आए तो आप एक छोटा सा काम कर लेंगे, फिर ये दोबारा कभी नहीं होगा। बोलने में या आपको समझने में लग रही होगी थोड़ी सी, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये सीरियस बात है, मैंने इसी को करके आज तक बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं तो ये 7 बार निकलते हैं, 7 बार ये निकलते हैं। ध्यान रखें कि 7 बार ये आपके कांख में जो बगल की जो गांठ होती है वो 7 बार निकलते हैं, कभी कभी ये घाव का भी रूप लेता है। तो वैसी कंडीशन में हमें क्या करना है, एक छोटा सा टटल्स जिसको कुछ लोग मेढक भी बोलते हैं, कुछ लोग बेंग भी बोलते हैं, कुछ लोग टटल्स के नाम से, इंग्लिश में इसको टटल्स बोलते हैं, तो एक छोटा सा टटल्स ले लेना है, छोटा सा टटल्स जो आपके पकड़ में आ जाए, कहीं भी नदी तालाब में, या अक्सर आपको कहीं घास पे चलते हुए या नदी या तालाब के किनारे ये मिल जाते हैं, तो उनको पकड़ लेना है किसी कपड़े के मदद से, जैसे मछली आप या किसी भी चीज़ से वो तुरंत पकड़ा जाते हैं। पकड़ के आपको क्या करना है, वो यहाँ पे जहाँ पे आपके बगल के जो गांठ बन गई है वहाँ पे ऐसे लेके दबा देना है। दबाने के बाद सिम क्या होता है ना, जैसे आप दबाएंगे, ये कुदरती देन है, जैसे आप दबाएंगे ना तो वो टर्टल्स है ना वो पेशाब कर देता है, पेशाब कर देता है तो पेशाब से ही उसका ख़त्म हो जाता है, आप उसको दबाएंगे तो पेशाब कर देगा। यही मैंने किया था और आज तक बिल्कुल ठीक हूँ, 15 साल हो गया आज तक कभी नहीं निकला। ये करें टटल्स को लेकर, टटल्स या मेढक को लेकर, छोटा सा मेढक लेकर पकड़ के, आपके मन में अगर ऐसा डाउट है कि ये काट लेगा या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको क्या करना है अपने कांख में दबा लेना है और वो पेशाब कर देगा, 2 मिनट के बाद छोड़ दीजिएगा अपने आप भाग जाएगा। ऐसी कंडीशन आपके आए तो ये बिल्कुल पावरफुल नुस्खा है, मैंने खुद आजमा कर देखा है, ये गारंटी युक्त है। आप अगर कोई दवाई जल्दी खाएंगे तो इसके जल्दी सूट नहीं होते, मान लो ठीक हो जाएंगे फिर कुछ दिन के बाद फिर हो जाएंगे, अगर ये कर लेंगे तो लाइफ में फिर कभी नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बात लेके, तब तक के लिए